यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 रिपीटेशन अलाउड विच आर ग्रेटर देन 4 3 2 1. इस तरह का एक क्वेश्चन हमने फाउंडेशन कोर्स में भी किया था और आपको ध्यान होगा क्वेश्चन आपने किया, पर इसमें और जो हमने किया था उसमें क्या डिफरेंस है बताता हूं. 4 3 2 1 से बड़े नंबर लेना है, यानी 4 3 2 2 से स्टार्ट हो सकता है और फोर डिजिट ही नंबर बोला है तो इसका मतलब, पर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है रिपीटेशन अलाउड. तो इसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कैसे कि पहला केस हम लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर 5 से स्टार्ट हो तो 5 से स्टार्ट होने वाला हर नंबर इससे बड़ा होगा तो यहां पर 666 यानी 216 तो केस ये होगा. केस नंबर 2 लेते हैं कि अगर यहां पर मान लीजिए 4 है तो इस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है. अगर यहां पर 4 है तो यहां पर 4 को हाथ लगा लो तो एक 4 हो गया, पर रिपीटेशन अलाउड है. इस तरह के क्वेश्चन में बोलो ना, पेपर 2 में यही डिफरेंस है कि पेपर 1 के क्वेश्चन 1 टाइम में हो रहे थे, पेपर 2 के क्वेश्चन में जरा सा भी ध्यान हटेगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर देखे तो यहां 4 आ गया, तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर ले सकता हूं 4 और 5 में से कोई भी नंबर, राइट. 4 3 4 5 3 4 और 5 कोई भी ले लें चलेगा, 3 4 और 5 राइट. 3 4 5 में कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं 3 4 5 लूं तो क्या होगा, अगर 3 होगा यहां पर तो 1 2 नहीं होगा. तो हम एक केस ये ले लेते हैं अभी कि सपोज 4 और 5 भी है यहां पर, क्या है 4 और 5 यानी 2 केसेस लिए तो यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, 36 × 2 = 72 राइट. अब केस नंबर 3 पे आते हैं, यहां पर 4 और 5 ले लिया. अब हो सकता है यहां 4 हो और यहां पर 3 हो तो यहां पर क्या क्या आ सकता है. अगर 4 और 3 लिया है तो इसके मैं चाहूं तो यहां पर 4 भी ले सकता हूं. क्या क्या ले सकता हूं, देखिए मैं यहां पर ले सकता हूं 3 2 नहीं लेना है बस 3 4 और 5 यानी ये 3 वेज हुए. यहां पर कोई भी 6 नंबर, ये 18 हो गया. एक केस हम ये ले लेते हैं कि यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है तो यहां पर क्या क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, नहीं 2 आ सकता, 0 और 1 नहीं आ सकता, यानी 4 केसेस होंगे. तो इन सबको ऐड कर दो तो 216 प्लस 4 18 प्लस 2 90 और ये 220 हो गया, यानी 310 दिस इज द राइट आंसर. 310 इज द राइट आंसर. कुछ भी भूलोगे तो आंसर मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना इसमें मिस्टेक नहीं करनी है. फिर समझ लीजिए पहला केस लिया कि 5 से स्टार्ट हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 66 ले लिया. पर दूसरे केस में मैंने लिया कि अगर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं तो एक बनेगा यहां पर 4 के साथ और एक मैंने ले लिया 5 के साथ, इसलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है. आपने सीधा 66 लिखा, यहां पर भी 66 लिखा, 36 36 होगा, देखो 72. फिर तीसरा जब केस लिया मैंने, आप समझिए जब तीसरा मैंने केस लिया तो मैंने किस तरह से लिया कि मैंने बोला 4 3 ये 2 है तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी ली. कौन कौन सी, 4 3 के बाद मैं यहां पर ले सकता हूं इस प्लेस पर 4 3 के बाद 3 4 और 5. तो एक बार लिया 3, एक बार लिया 4, एक बार लिया 5, तो इसमें कितने केस होंगे, 6 6 और 6 दिस इज 18, ये 18 लिख दिया. एक केस मैंने लिया 4 3 2 तो यहां पर मैं ले सकता था 2 3 4 और 5, ये 4 केसेस हुए वो लिखा हुआ, सबको ऐड कर दिया तो आंसर इज 310. पीएनसी मैंने जिस ढंग से आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था एनपीआर से नहीं पढ़ना, क्विक रिविजन में भी बताया था, आप कंसेप्चुअली करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल से करो, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा. देखिए ये क्वेश्चन हुआ भी है, पर इस क्वेश्चन में जरा भी ध्यान नहीं दोगे तो मिस्टेक हो सकती है. यही छोटी छोटी चीजें जिन पे हमें वर्क करना है. नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, अ कॉइन इज टॉस एन टाइम इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैड एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 90%. एटलीस्ट 1 का आपको कॉइन में एक डायरेक्ट मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, एटलीस्ट फॉर पर्टिकुलर कॉइन के लिए 1 - 1/2 n ये दिया है ग्रेटर देन 90% यानी 9/10 राइट. तो आपको n का मिनिमम वैल्यू बताना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो इसको इधर लाओ तो 1/10 इज ग्रेटर देन 1/2 n. अब ऐसा कब होगा, आप देखिए n की जगह सपोज सबसे लीस्ट रखता 3 तो 1/10 ग्रेटर देन 1/8 नहीं, ये रॉन्ग हो गया. n की जगह 4 रख दीजिए तो 1/10 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/16 होगा. तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 4. मिनिमम वैल्यू शुड बी 4. एटलीस्ट 1 के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 - q/n और अगर कॉइन हो तो 1 - 1/2 n दिस इज ग्रेटर देन 90% यानी 9/10 ये दिया हुआ था. तो आपको n लीस्ट वैल्यू बताना था, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
the area of triangle formed by tangent and normal at point root 3, 1 of the curve x square plus y square equal to 4 and x axis is. देखिए अगर आप देखें तो ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है. अब आपको बोला है द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल एट इस, ये रूट 3, 1 यहां पर ही होगा, सेटिस्फाई भी कर रहा है, ये हो गया. तो इससे आपने एक टेंजेंट ली, ये हो गई टेंजेंट, ये हो गई नॉर्मल. नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होती है. तो इस ट्राइंगल का एरिया बताना है. मान लो ये बहुत ही सिंपल है, एक कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया, एक रूट 3, 1 हो गया. अब देखिए आपके पास कितना सिंपल तरीका, एक 0, 0 है, एक है रूट 3, 1. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, राइट. अब आप चाहो तो इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे रूट 3, 0, यानी ये लेंथ है 1. ये लेंथ निकाल के भी कर सकते हो, यदि आप ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, x(x)(1) + y(y)(1) = a² यानी √3x + y = 4. एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है तो 4/√3, 0. यानी अगर मैं बोलूं ये लेंथ कितनी है तो आप बोलते 4√3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 4√3 × 1, यानी 2/√3 इज अ राइट आंसर. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4/√3, 0. अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वो लगा सकते हैं क्या, x1 y2 1/2 this into this minus this into this. तो देखिए वही आ गया, 4/√3 देन अगेन 2/√3. यानी करने के अलग अलग तरीके हो सकते थे. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, सर्कल पे एक पॉइंट था √3, 1. इससे एक टेंजेंट लेना था, एक नॉर्मल लेना था, और टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां मीट कर रही है, इन नॉर्मल का पूरा इस जो ट्राइंगल बना है इसका आपसे एरिया पूछा था. एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट √3, 1 ऑफ द कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ, राइट. तो ये एक सिंपल सा अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, नोट कर लीजिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए क्या है, इस तरह का पेपर 1 में भी क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखें तो पेपर 1 का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी था, क्योंकि उसमें डायरेक्टली बोला था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहां पर बोला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी और यहां कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं बता रहा हूं आपको ये सेम क्वेश्चन था. मेथड से करते तो इसमें होता x+y+z - 1+λ टाइम्स, आप ये स्टेप बचा सकते थे आप, 2x+3y+z - 5 = 0. पर एक बार को करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन पूछी है तो ऑप्शन से भी हो सकता है. कहते जैसे अगर ये देखें तो ये इक्वेशन है y - z + 3 = 0, ये है y - z - 3 = 0. ऑप्शन से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये है y+z + 2 = 0 और ये है x+z - 2 = 0. अगर इसका y देखें तो -1 + 1 यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगला भी करेगा कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया. तो इसका मतलब ऑप्शन ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं. मेथड पे जाएं तो देखिए x को कॉमन लेंगे तो 1+2λ, y कॉमन लेंगे तो 1+3λ, z कॉमन लेंगे तो 1+λ, -1 - 5λ = 0. अब इसका प्लेन का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी आप बोलेंगे 1+2λ - 1 - 3λ - 1 - λ = 0, 2λ = -1λ = -1/2, λ - 1/2 पुट कर दें यहां पर तो ये 0 हो जाएगा. यहां मिलेगा -y/2, यहां मिलेगा +z/2, यहां 1/2 रखा तो ये मिलेगा +5/2 - 1, तो +3/2, this = 0, या y - z - 3 = 0, दिस इज द राइट आंसर. y - z + 3 = 0, यानी ये एक राइट आंसर हुआ, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, y - -3 = 0, सॉरी ये नहीं, ये वाला होगा, ये है ना, y - z - 3 = 0, ये राइट आंसर है. यहां से ही लिखा है, यहां पर देखिए y - z - 3 = 0, या इसको ऐसा भी बोल सकते थे y - z = 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन पेपर 1 में भी था, पर पेपर 2 का अगर हम बात करें तो पेपर 2 का क्वेश्चन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा. इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व y = fx इज, स्लोप मतलब dy/dx, ये कितना है 2/x² इफ दिस कर्व
passes through the center of the circle, is circle ka center kya hai? 1, 1, then the curve is. Question simple hai. dy upon y equal to dx upon 2 dx upon x square, integration kar dijiye, to aapko milega log y equal to minus 2 upon x plus of c. Passing through 1, 1, to 1 rakh dijiye yahan par, to ye 0, ye c ki value 2 aa gayi, to log y equal to minus 2 by x plus of 2, ya aisa bhi bol sakte hain, x log y equal to minus of 2 plus of 2x, या x log y equal to 2 common, तो x minus 1. This is the right answer. Question बहुत simple था, कि slope दिया हुआ है, और बोला है, curve जो है, वो passes through the center of circle है, तो आपने differential equation से equation निकाली, constant का value निकाला, passing through center of circle, equation आगे, right? Note down this question.